दोस्तों, स्मार्टफोन ब्रांड पोको ने आज इंडिया सहित दुनिया भर में अपने सबसे ज़्यादा बिकने वाले बजट फ़ोन पोको M3 के प्रो मॉडल का 5G वेरिएंट यानी कि पोको M3 प्रो 5G आज ऑफिशियल तौर पे लॉन्च कर दिया है। वैसे आपको बता दें कि ये फ़ोन काफ़ी कम प्राइस में बेहतरीन फीचर खास डिज़ाइन के साथ पेश किया गया है। इसके अलावा पोको M3 प्रो 5G को MediaTek प्रोसेसर और हाई रिफ्रेश रेट से लैस किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि ये फ़ोन कंपनी के पेरेंट कंपनी Xiaomi के Redmi Note 10 5G का ही रीब्रांड वेरिएंट है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इस फ़ोन के फीचर, स्पेसिफिकेशन और प्राइस के बारे में। साथ में ये भी जानेंगे कि ये फ़ोन इंडिया में कब तक लॉन्च किया जा सकता है। सबसे पहले फ़ोन के डिज़ाइन की बात करें तो पोको का ये नया फ़ोन पंच होल डिस्प्ले पे लॉन्च हुआ है, जिसे कंपनी डॉट डिस्प्ले का नाम दिया है। साथ ही डिस्प्ले के तीनों किनारे बेजलेस देखने को मिल जाता है। इसके अलावा फोन के बैक पैनल पे क्वाड रियर कैमरा सेटअप दिया गया है, जो कि लेफ्ट की ओर शिफ्ट की गई है। इस सेटअप में पोको की ब्रांडिंग कवर के अंदर रखी गई है। फोन के रियर पे अवेलेबल पोको की ब्रांडिंग कंपनी ने इससे पहले पोको M3 में भी दे चुकी है। इसके अलावा फिंगरप्रिंट सेंसर स्मार्टफोन के राइट साइड में पावर बटन में इनबिल्ट किया गया है। दोस्तों, अब बात करें पोको M3 प्रो 5G की स्पेसिफिकेशन के बारे में, जो कि ये स्मार्टफोन 20:9 की एस्पेक्ट रेशियो के साथ पेश किया गया है। इस फोन की डिस्प्ले साइज की बात करें तो यहाँ पे 6.5 इंच की FHD+ का IPS डिस्प्ले के साथ देखने को मिलता है। साथ ही इस फोन के डिस्प्ले में गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन और 90Hz रिफ्रेश रेट जैसे फीचर दी गई है। इसके अलावा ये फोन 1100 निट्स तक की पिक ब्राइटनेस को भी सपोर्ट करता है। अब जैसे कि आपको बता दें कि इस फोन की प्राइस काफी कम होने के बाद भी कंपनी इस फोन में काफी अच्छी पिक ब्राइटनेस का इस्तेमाल किया है, जो कि इस लेवल का पिक ब्राइटनेस AMOLED डिस्प्ले वाले स्मार्टफोन में ही देखने को मिलता है। अब बात करें फोटोग्राफी के बारे में तो पोको M3 प्रो के बैक में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है और इसमें 1.8 अपर्चर वाला 48MP का मेन कैमरा, साथ में 2MP के मैक्रो और 2MP के डेप्थ सेंसर देखने को मिलता है। जबकि अगर बात करें सेल्फी और वीडियो कॉलिंग की तो इस फोन में 8MP का सेल्फी कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। अब बात करें इस फोन की परफॉर्मेंस के बारे में तो यहाँ पे आपको MediaTek Dimensity 700 चिपसेट के साथ देखने को मिलता है। जैसा कि आपको बता दें कि इस चिपसेट की परफॉर्मेंस काफी अच्छी मानी गई है। साथ ही इस फोन में UFS 2.2 का सपोर्ट और LPDDR4X RAM का सपोर्ट भी मिल जाता है। वहीं रैम और स्टोरेज ऑप्शन की बात करें तो इस फोन को 2 वेरिएंट में लॉन्च किया गया है, जिसमें 4GB रैम 64GB स्टोरेज साथ में 6GB रैम और 128GB स्टोरेज ऑप्शन में देखने को मिलता है। जबकि ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो ये स्मार्टफोन एंड्रॉयड 11 पे बेस्ड MIUI 12 पे काम करता है। इसके अलावा कनेक्टिविटी फीचर की बात करें तो इस फोन में आपको सारे बेसिक कनेक्टिविटी फीचर दिए गए हैं। अब जैसे कि 5G, 4G, Wi-Fi, ब्लूटूथ, हेडफोन जैक, USB Type-C के पोर्ट, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर जैसे फीचर शामिल की गई है। जबकि अगर बात करें बैटरी और चार्जिंग के बारे में तो इस फोन में 5000mAh की बैटरी देखने को मिलती है, जो कि 18W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। दोस्तों, अब बात करें पोको M3 प्रो 5G की प्राइस के बारे में तो ये स्मार्टफोन 2 वेरिएंट में लॉन्च किया गया है, जिसमें 4GB रैम और 64GB स्टोरेज, और इस फोन की प्राइस तकरीबन 16,000 रुपये रखी गई है, जो कि इंडिया में इस फोन की प्राइस में काफ़ी कमी देखने को मिल सकती है और इंडिया में ये फोन 14,000 रुपये की स्टार्टिंग प्राइस में देखने को मिलेगा। जबकि अगर बात करें 6GB रैम और 128GB स्टोरेज तो इस फोन की प्राइस 18,000 रुपये देखने को मिलता है, जो कि इंडिया में ये फोन आपको 16,000 रुपये की प्राइस रेंज में अवेलेबल किया जाएगा। वैसे ये फोन इंडिया में कब तक लॉन्च किया जाएगा इसको लेके कंपनी ने फिलहाल कोई जानकारी नहीं दी है। हालांकि उम्मीद है कि ये स्मार्टफोन इसी महीने के लास्ट वीक तक इंडिया में लॉन्च किया जा सकता है। दोस्तों, आप इस फोन को लेके कितना एक्साइटेड हो कमेंट करके जो बताना। साथ ही वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।